हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेज डिलाइट। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी वेट लॉस सूप सिखाने जा रही हूँ, जो कि है पम्पकिन सूप। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुकर के अंदर एक चम्मच, मैंने यहाँ पर घी डाला है, आप बटर यूज़ कर सकते हैं, ये TSP है, बड़ा टेबलस्पून नहीं है, एक छोटा चम्मच। एक बे लीफ डाला है मैंने और एक प्याज मैंने काट कर, लंबा लंबा काट कर इसे डाला है। इसे आप अच्छी तरह से एक मिक्स कर दीजिए। अब कटे हुए हमें बड़े बड़े ही कट करने हैं। पम्पकिन मैंने यहाँ पर डाल दिया है धोकर अच्छे से, और एक टमाटर डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 2 स्लाइस पम्पकिन का लिया है मीडियम साइज, और ये है कुछ लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने चॉप करके डाल दिया है। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। आप इसे आराम से वेट लॉस के लिए ये सूप बना सकते हैं, आप एज ए डिनर इसे खा सकते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, सूप की जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, पतला या गाढ़ा, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। मैंने यहाँ 1.5 कटोरी पानी डाला है। अब इसे हम कुकर को लिड लगा के 1 या 2 विसल आने तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये हो चुका है हमारा 2 विसल। अब ये कुकर ठंडा होने के बाद आप इसे खोल लीजिए और बे लीफ को आप निकाल के बाहर रख दीजिए, और इस सूप को हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी पी सकते हैं, बस उसमें आप थोड़ा बारीक कटे हुए टमाटर और पम्पकिन डालिएगा। मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, हैंड ब्लेंडर की मदद से आप इसे ब्लेंड करिए, नहीं तो आप मिक्सी में भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसे सीव नहीं करना है दोस्तों, इसे आप अपने रात के डिनर में वेट लॉस की जर्नी में अगर हैं तो इसे ज़रूर इंक्लूड करिए, बहुत ही टेस्टी होता है। अब इसे हम एक बॉईल दे देंगे, थोड़ा गरम कर लेंगे। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, और आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक बॉईल आ चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर डाल के सर्व कर सकते हैं। होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगली बार फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।